एक सौ सौ डेढ़ सौ ऊपर कर लीजिए तो फिर खाली है। ये सब थोड़ा रकबा इनके पास इस चीज़ के पास एक सौ 14,000 कि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज हुई उसके लिए जो प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करने हैं सभी ने वो हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी पोजीशन ऐसी आ रही है होपफुली ये कंटिन्यू रहे कि हमारी पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन मेरी अपील भी है सभी से कि अपना तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कीजिए। मैंने यहाँ रास्ते में देखे हैं कई लोगों ने मास्क पहने हैं लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग भी दिखे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो मैंने SDM साहब को भी रिक्वेस्ट की है, पुलिस को भी कहा है कि हम अपना गार्ड लोअर ना करें और एनफोर्समेंट बड़े अच्छे तरीके से करें। जो लोग समझदार हैं वो तो लगा रहे हैं, जो लोग इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये एनफोर्समेंट हो और सभी इसका पालन करें ताकि हम वापस उस दिशा में नहीं जाएं जो पिछली बार दूसरी फेज़ में हमारा दूसरी वेव में शुरू हुआ। तो आज का एक रिस्ट्रिक्टेड सा प्रोग्राम रखा था ताकि ऐसा भी ना हो अगर हम नॉर्मली पब्लिक दरबार करते हैं तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोविड को प्रोटोकॉल मेंटेन करना। तो आज 3-4 तरह की मीटिंग्स और इंटरेक्शन रखी थी। मॉर्निंग में हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ रखा था, DDC जो सब डिवीजन एरिया को कैटर करते हैं और DDC मेंबर चेयरमैन हैं जो उनके साथ बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इस पर्टिकुलर सब डिवीजन्स की जो मुश्किलें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ का ख्याल ऑन द स्पॉट किया गया, जो बाकी चीज़ें हैं उनमें हिदायत दी गई हैं। उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल जो आपका कमेटी है लोकल कमेटी थाटरी की उसके साथ जो आपके काउंसलर्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन की गई जो उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसका रिव्यू किया गया था। उसके बाद ये हमने जनरल पब्लिक के लिए रखा था जो डेपुटेशन यहाँ दूर दराज एरिया के जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हर डिपार्टमेंट से मुतल्लिक और उनकी डिस्कशंस काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसर मेरे साथ आए थे, मेजर डिपार्टमेंट्स को बिजली पानी के आए थे, फूड एंड सप्लाई यहीं थे, SDM साहब यहीं थे। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ पे किया है, उस पर फॉलो अप देने की ज़रूरत है। जो जो यहाँ डिसीजन लिए थे मैं SDM साहब को कहूँगा कि उन डिसीजंस को फॉलो अप करिए और उनका इन राइटिंग एक इशू कीजिए ताकि उसको टाइम टू टाइम हम टाइम बाउंड मैनर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो कुछ तो गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन में कोविड के सिचुएशन में आइडियली तो यही रहता है कि कंप्लीट लॉकडाउन ही रिकमेंडेड है, लेकिन हमारे कई सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पर निर्भर हैं जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्शंस को ईज करना बड़ा लाजमी है। क्योंकि अगर घर नहीं चलेगा तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो उस चीज़ के लिए अभी लॉकडाउन पूरे स्टेट में हमारा UT में जो लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन भी था वो भी ख़त्म किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन साथ ही साथ एक कैवियट भी ये है कि लोग अपना इसका पालन करें ताकि ऐसा ना हो कि हम जो थर्ड वेव कहने की बात हो रही है हम उसकी तरफ अग्रसर हों। हम इस समय इसको यही स्टॉप करना चाहते हैं, जो अच्छी पोजीशन है हमारी इस समय अचीव हुई है उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। आज DC साहब ने सब डिवीज़न लेवल पर एक मीटिंग रखी हुई थी और ब्लॉक कहरा के BDC DDC और ब्लॉक चराला के BDC DDC और ठाठरी के ब्लॉक ये BDC और DDC सब लाए थे और PRIs भी और पब्लिक भी बुलाई हुई थी और हमने जितने भी हमारे मसाइल थे हमने DC साहब के साथ रखे। हमने बहुत अच्छी तरीके से DC साहब से डिस्कस की और जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं जैसे PHC डिपार्टमेंट हैं, R&B, RGGY और जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स आते हैं हमने इनके DC साहब को इनके बारे में बोला। और हमारे जितने भी ब्लॉक्स में जितने भी स्कूल डैमेज हैं या किसी स्कूल का काम शुरू होकर बंद हो गया है हमने पूरे DC साहब को उनका बताया और एजुकेशन के बारे में बात की DC साहब से और DC साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और MG नरेगा 100% जिनको रोज़गार नहीं मिला है वो मिलना चाहिए और DC साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि ये सब काम होंगे। Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway No. 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration,
buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipment. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital.